अमृतसर पे आए और यहाँ से जंप न किया तो फिर अमृतसर पे आए क्यों, ये बताओ। तो हम जा रहे हैं फाइनली अमृतसर में जंप करने के लिए और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। चल किस ब्रो। सो भाई साहब, हमें सर भर चुका है और मैं जा रहे हैं इसको घर पे छोड़ना है, इसको बस में चढ़ाना है, इसको यहाँ से करना है रवाना। वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल मुश्ताक मैक्स। और आज का एपिसोड ये है कि आज हमें सर ओवरफ्लो हो चुका है, अभी यहाँ पे 465 किलोमीटर बताया लेकिन सर्विस इंडिकेटर आ चुका है, तो सर्विस में देने में जाना है क्योंकि ऑयल भी अब खत्म होने आया है। कल मैंने चेक करवाया था शेल से तो वो बोले थे ऑयल खत्म हो रहा है। सो अभी बस बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं यहाँ से। सो यस, अभी से करते हैं हमारी यहाँ से राइड स्टार्ट। राइड भी कर सको तो मेरी आवाज़ भी आ सके, वैसे ना आवाज़ आती नहीं है लेकिन यहाँ से आवाज़ अच्छी वाली आएगी तो मेरी गोप्रो पर ध्यान नहीं देना है इतना वाला। और गाड़ी को सर्विस में रखनी है यार। ऑल वी नीड इज़ अ गुड एंगल, सो हियर वी गो बॉयज। पता नहीं लाइटिंग चालू है कि नहीं चालू। चालू है। हियर वी गो। बहुत लोग वहाँ पे आए हैं, बहुत लोग भाई, बहुत सारी ट्रैफिक भी है यार, मतलब पुलिस भी वहाँ पे आ चुकी है क्योंकि कोई ना आए ना कुछ ऐसा कुछ वैसा कुछ ना करे। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चेक करते हैं। पुलिस भी बहुत खड़ी है क्योंकि लोगों के लिए जाना है। तो यार अभी पुलिस यहाँ पे बहुत आई है तो गाड़ी रखना कहाँ रखना कैसे सेट करना कुछ पता नहीं चल रहा। ये आप ट्रैफिक देख सकते हो, अभी सर ओवरफ्लो के बाद के ये सारे सीन्स हैं। और कितने ज़्यादा लोग आए हैं, कितने ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, खड़ी रख के देखते हैं ना। सीधे बहुत सीन्स है भाई यहाँ पे। अभी सर अभी थोड़ा सा पानी आया, इतना कुछ पानी आया नहीं है फिर भी बहुत लोग। तो हेलो जी, हम यहाँ पे आए थे और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। शायद छुट्टी भी होगी इस वजह से, मैं भी फोटो शोटो ले लेता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है स्टोरी के लिए। देख लिया, उसके बाद अभी यहाँ से निकलने की बारी। बहुत पब्लिक भाई, ये दर्शाता है कि हमीर सर का कितना महत्व है भूजवासियों के लिए, ये हमीर सर कितना इंपॉर्टेंट है भूजवासियों के लिए, वो ये चीज़ है। क्योंकि आप देख सकते हो गाड़ियों की रश, लोगों की रश, लोगों के दिलों में जो एक भावना है, एक लगाव है इस चीज़ को लेके, वो सब यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि हमीर सर ओवरफ्लो हुआ उसके दूसरे दिन सभी गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी होती है, ये कच्छ स्टेट का नियम है। एक का माहौल रहता है जब बारिश होती है, बारिश है, संडे का टाइम है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं और जो मज़े हैं लिटरली ये मज़े और आपको कहीं फील करने को नहीं मिलेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी ऐसे मज़े नहीं होते जो हमारे भूज में होते हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं, दृश्य कुछ ऐसे हैं, आप इन्जॉय करें इस मानसून को कच्छ में, क्योंकि कच्छ है ना, कच्छ वो गुजराती में कहावत है कि कच्छ कचरो बारे मास, तो वो सीन्स होते हैं क्योंकि मानसून के टाइम पर कच्छ एक अलग बन जाता है, बहुत ही डिफरेंट बन जाता है क्योंकि मानसून में कच्छ का मज़ा अलग है। यस, हम आए थे अभी सर पे और देखो हमें कौन मिले। स्वयं देत मेरे साथ है और बस हम लोग यहाँ के सीन्स चेक कर रहे हैं, आपको भी सीन्स चेक कराते हैं। सो यस यार, हमें सर पे आए और यहाँ से जंप न किया तो फिर हमें सर पे आए क्यों, ये बताओ। तो हम जा रहे हैं फाइनली हमें सर में जंप करने के लिए और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। चल किस ब्रो। तो ये लास्ट जंप। तो चलो देखो यहाँ पे कौन मिले।
मेरे को दीप एंड कृपा मिले, आप इनके वीडियोस देखते होंगे, अगर नहीं देखते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करें। रोज डेली व्लॉग आते भाई हमारे, मेरे डेली व्लॉग नहीं आते, मेरे महीने में एक दो व्लॉग आते हैं, इनके डेली व्लॉग आते हैं भाई। स्ट्रगल होता है यार एडिटिंग में, तो घर पे रहे तो व्लॉग शूट नहीं होता, बाहर निकले तो व्लॉग एडिट नहीं होता। ये सीन है, मैं ये सब चीजें अकेले करता हूँ, यहाँ से दीप और कृपा दोनों एडिट करते हैं, तो कोई इशू नहीं। एडिट सिर्फ कृपा ही करती है, मैं सिर्फ व्लॉग। अच्छा, ये है अमित सर के दृश्य, मुझे नहीं पता। हाँ चालू है कैमरा, यस कैमरा चालू है, और देखते हैं क्या सीन होता है। आज तो संडे, हर जगह बहुत कुछ बंद होगा, लेकिन खाने में पीने का सीन ऑन होगा। खाद पीने में सकता नहीं क्योंकि मेरे दांत निकाल दिए गए हैं, मेरे दांत दो बड़े टीथ डैमेज हो चुके हैं, तो उसका अलग रहेगा भाई। लेकिन यहाँ का माहौल है, हाय हाय क्या कहने, इस माहौल का मतलब क्या ही कहने, लोग हर जगह इकट्ठा हुए हैं, लाइक इट्स बीन लाइक ए डिफरेंट सीन यार, ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट सीन है। लोग इकट्ठे हुए हैं, शहर में महफिल जमा के बैठे हैं, मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो भाई साहब ये वाले दृश्य हैं, देखो अरे भाई भाई आगे से निकाल रहे यार, ओ भाई कहाँ से गाड़ी दे रहा था वो। ये देखो ये पेड़, यहाँ के जो दृश्य हैं भाई, हम लोग जा रहे हैं अभी जुबेली से निकल रहे हैं भैया, यहाँ जो ट्रैफिक है, हाय हाय क्या कहने भाई, क्या ही कहने। और संडे का दिन, संडे का मौसम, लोग निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही है यहाँ पे, बस वाले, अरे भाई साहब, और हम भी यहाँ से निकले हुए हैं। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल रोड कुछ खाने के लिए, कुछ गर्माहट सी हो जाए ठंडे से मौसम में, तो कुछ खाने के लिए हम निकले हैं यहाँ से भाई। डिसाइड ये हुआ कि लाइक हमको खानी है दाबेली खानी है, तो नुमेरिक सी वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ, तो यस हावड़ा की दाबेली क्या खानी है, कौन सी कुछ भी, बस गर्म हो जाए, गर्म कुछ भी चलेगा। चिका खा लेगा ना? नहीं मैं नॉर्मल खाऊंगा, चिका नहीं खाऊंगा। तो चिका हम लोगों ने दावेली भी खा ली है, दावेली खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं छाछ वाला, क्योंकि हमें पीनी थी छाछ की, तो इसकी दावेली बहुत तीखी थी। नईम भाई को तीखी लगी नहीं, मुझे तीखी लगती क्योंकि मेरे दांत ऑलरेडी है नहीं, दांत निकलवा दिए हैं। हॉकी का मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग अगली है। तो अभी जा रहे हैं, अगर इनके छाछ वाला खुले नहीं होगा तो देखते हैं चाय पी लेंगे सलमान के पास, वो रहा छाछ वाला। अरे चलो भाई अभी को नहीं, वहीं से जाएंगे। अरे भाई लंबा जाएगा भाई, नहीं आगे से है। छाछ वाला गाड़ी आगे रख देता हूँ, नहीं चलेगी छोड़ दे। छाछ वाला के पास ठीक है भाई। सो यस हियर वी गो, हम आए हैं मिस छाछ वाला, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहता है। ये हमारे नुमेरिक्स जी ने हमें लस्सी पिलाई, ये कौन सी है, पाइनएप्पल की लस्सी, अभी चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इसका, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ये छाछ वाला। सो हियर वी गो, वी आर हियर, और लस्सी पीने के बाद अभी हम जाएंगे बस, अभी व्लॉग को यहाँ पे आगे जाके मैं एंड करता हूँ।